लोकेशन भेजो लो भाई भेज यार हम आ रहे हमारे स्वागत के लिए केक भी है हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ क्योंकि वहाँ से हमारी है फ्लाइट मुंबई के लिए, मतलब आज हम मुंबई जाने वाले हैं। वन एंड ओनली हीरो इज आल्सो रेडी। ओह माय गॉड, सो दिस इज माय न्यू ड्राइविंग स्किल। वो भी इसलिए क्योंकि आज ब्रेसलेट पहना है। ओह माय गॉड यार, शोक देख रहे हो गाइस। तो ये नीरज का ब्रेसलेट इधर ही रखे गए थे हम लोग, तो अभी नीरज ने निकाल के पहना तो हाथ ऊपर से हट ही नहीं रहा है। भाई का भाई भाई ले मत करो ना। अच्छा चलाओ खाओगे मार। ओके भाई, ड्राइविंग में कोई मजाक नहीं, ठीक है, सेफ्टी अपने हाथ पे। बीवी ने हुकुम दे दिया तो फिर हुकुम सराफ को देना चाहिए। हाँ गुड, 40 से ऊपर नहीं जाएगी मैडम जी। ठीक है गुड बॉय, भले ही फ्लैट छूट जाए। तो गाइस हम लोग चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। सुबह से व्लॉग नहीं किया क्योंकि इतने रश में, इतनी जल्दी जल्दी में निकले हैं ना। एक तो कल घर पे दसई था, रात को हमारे घर पे प्रोग्राम भी था, तो उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गए थे रात को। फिर पैकिंग भी रात को की आधी आधी सुबह की, उस चीज़ में जल्दी 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 में हम लोग इतनी जल्दी पैक करके निकले हैं ना। माई गॉड, एंड कपड़े भी मैंने ऐसे सिंपल से पहने क्योंकि एयरपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि एयरपोर्ट में थोड़े कम्फर्टेबल कपड़े पहन के जाऊँगी इसलिए। पर मुझे ये याद नहीं आया कि यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे अपनी बड़ी मम्मी के घर, जो एक कार में आए ये वहीं पे छोड़ के जाएंगे क्योंकि ये एयरपोर्ट में तो रखेंगे नहीं। एयरपोर्ट में वैसे सिस्टम तो है ही पार्किंग का, बट वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा क्योंकि हम लोग का बहुत, मतलब बाद में आने का प्लान है, थोड़ा रुक के थोड़ा लंबा ट्रिप है, तो इसलिए बड़ी मम्मी के घर जा रहे। तो बड़ी मम्मी भी टीका लगवाएंगे हमको दसई का, तो इसलिए अब मैं दसई के टीके के हिसाब से ऐसा लग रहा है इतनी सिंपल बन के, एयरपोर्ट लुक तो सही है सिंपल वाला, बट दसई के हिसाब से ना ये लुक ठीक नहीं लग रहा है एकदम। तो वही है भाई, रफ एंड टफ लड़कों का तो क्या होता है, शॉर्ट पैंट टी शर्ट बस वही होता है, लड़कियों का होता है सूट साड़ी एंड ऑल। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ बड़ी मम्मी के घर पे, यहाँ पे बड़ी मम्मी भी रेडी है हमको टीका लगाने के लिए, और यहाँ पे कृषा भी रेडी है। हाई फाई बिस्ती कराएगी पक्का। हाई फाई कृषा कर दो हाई फाई। ये इसने ये अभी अभी सिखाया, अभी अभी वो भी मैंने सिखाया चीफ बुआ ने। ये रहा दसई का कार्यक्रम, सब कुछ ठीक हुआ, थोड़ा कपड़े नहीं हुए बट ठीक है। चलो एक कपड़े भी नहीं, लोग भी नहीं, और क्या कुछ सिचुएशन में लगते हैं। वेयर इज द ढाका टोपी? ओह माय गॉड, ढाका टोपी आवा वाले, बस हो तो क्या वेयर लिए, वाह हैंकी दो ना। अच्छा तुझे भी हैंकी, तुझे ना। नहीं यार ये इतना बड़ा चुंडी इसमें अच्छा लगेगा? तो इधर भी तो आई एम मॉडर्न ही हो ब्रो, चीर वाला, चीर है यार। लो भैया अब हमने सर भी ढक लिया है। आशीर्वाद है पितरा पितरा देश भाई। ओ माय गॉड, खूब लखपति करोड़पति बनो, लखपति तो करोड़पति बनो, अरबपति बनो, अरबपति बनो। थैंक यू देना जाना। वाह भाई वाह, टीका पैसा चले आज पार्टी एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से इसे खाएगा खटले। ओ माय गॉड, मामले रोकने वाला है। ओए ढोकर ना पड़े हैं ऐसा ढुकते ना छोरी जुआई का ढुकते हैं ऐसे। वाह भाई वाह, आशीर्वाद बड़ी मम्मी को भी करोड़पति लखपति बने। चले फिर मुंबई की ओर, मुंबई की ओर। एयरपोर्ट पहुंच चुके हम लोग, एंड वीडियो नहीं बनाया क्योंकि टीका लगाने का, हम दोनों खाना खा के सो गए। सो के उठने के बाद अभी हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अभी चेक इन करवाएंगे, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। यार एक चीज तो भूल गए, दीदी को बोलना था बिजनेस क्लास पे कर देती। तो गाइस जैसे कि ना आपको बताइए, हमारी जो दीदी है वो एयरोस्टेज है, तो उनके वजह से हमको टिकट मतलब थोड़ा ठीक ठाक रेट में मिल जाता है।
और पता क्या होता है इसमें, मेन चीज ये भी होता है कि आप कभी भी कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं दिन भर का, आपकी मर्जी है कौन सा कैच करना है। तो उसी कारण हम बिगड़ गए, तो इसके लिए हम लोग ना जल्दी जल्दी निकलते हैं, हमको लगता है अच्छा ये छूट गया तो कोई बात नहीं दूसरा पकड़ेंगे, तो वो चीज़ हो जाता है। तो इसलिए अभी हम लोग 5 बजे की फ़्लाइट कैच कर रहे हैं, वैसे तो हमने 12 बजे का भी बुक किया था, 3 बजे का भी किया था, 5 बजे का भी किया था, तो 5 बजे वाला कैच कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सिक्योरिटी चेक कराते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके, बोर्डिंग तो करवा ली हमने। दिस इज योर्स एंड दिस इज माइन, हमारी बोर्ड का है। हम लोग जा रहे हैं, सिक्योरिटी चेक भी करवा लिया है और वर्षा के बैग में से बम भी पकड़ा गया है, उसको तो मेरे छुड़वा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। चुप रहो। हमेशा मैं जब भी मुंबई जाती थी अकेले जाती थी, और आज मेरे साथ नीरज भी जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, हम दोनों कपल एज अ कपल मुंबई जा रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि नीरज मुंबई भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो कितने एक्साइटेड हैं आप? तो मैं अपनी फर्स्ट फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी जो डेट हमारी कहाँ है आपकी शूटिंग? ये शायद इट्स और डायरेक्टर सर सेज दैट इट्स सिंगापुर और पेरिस। तो मुंबई क्या करने जा रहे हो? इन दिस बिटवीन यार मुंबई फर्स्ट, अभी वहाँ जाएंगे। मुंबई में शूटिंग होती है ना, कौन सी जगह पे होती है आपको पता तो होगा, आप एज ए हीरो जा रहे हो तो कौन सी जगह पे शूटिंग होती है? हाँ, वहाँ मेरा फ्लैट है, वहाँ उस फ्लैट में मेरे बहुत ही बड़ा एक रूम है, तो वहीं सारी शूटिंग्स वगैरह वहीं जाती है, क्योंकि हम छोटे मोबाइल में आते हैं ना, इस जैसे छोटे मोबाइल में। ओह माय गॉड यार, तो नहीं जाके पता चलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा? ट्रैफिक ही मिलेगा वहाँ, 1 घंटे के ट्रैफिक के बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देगा, फिर हम जाएंगे वहाँ, देखेंगे कैसी जगह होगी, किस जगह पे है। ऐसे तो मोबाइल पे देख के तो भाई पता है आरबी क्वार्टर है, सुनसान सहान जगह होगी। पहली खुशी है कि दशहरे पे वाइफ के साथ दोनों कपल्स जा रहे हैं अपने सेकेंड मम्मी पापा के साथ मिलने। कल हम लोग दशहरा मनाएंगे वहाँ पे मायके में, पूरा दिन दशहरा मनाएंगे। ऐसा क्या दशहरा मनाओगे? पूरा दिन दशहरा मनाएंगे, तुम उठोगी 12 बजे 12 से 4 और आप बड़ी जल्दी उठोगे यार, मेरे को आजकल नींद नहीं आती यार, क्या हो गया? जल्दी उठ जाते ना आप, मेन चीज तो ये है ना, एक तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती तो इनकी वहाँ नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो 5 बजे उठ रही हो है ना, योगा कर रही हो, योगा सेशंस भी ले रही हो। तो होता है, कोई बात नहीं, जल्दी उठा कीजिए, अच्छा रहता है, स्वस्थ स्वस्थ। इसलिए तो मैं स्लिम एंड फिट दिखती हूँ आप लोग को गाइज। आप लोग पूछते हो क्या राज है, मेरा राज है 5 बजे उठ के योगा एंड ऑल फिट एंड हेल्दी खाना, सब्जी वगैरह, नो फास्ट फूड, नो मोमो, नो पिज्ज़ा, ओनली हेल्दी चीज़, हरी सब्जियाँ खाए, बस वही खाती हूँ, इसीलिए मैं इतनी फिट एंड स्वीट हूँ। तो अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं, ये की करो ना, क्या जल्दी बोल रहा है गाइस, देखो जल्दी बोल रहा है। नीरज की बात मानते हुए तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई। यस, तो फाइनली वी आर इन मुंबई। यो, अभी घर जा रहे हैं हम लोग, 1 घंटा दूर है, थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है हमको रास्ते में। थोड़ा सा तो क्या मिलता है, रहे तो ट्रैफिक। हाँ वही है, पर 1 घंटे बाद फिर अच्छी जगह पहुँचेंगे तो और अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ वही है। अभी मुंबई देख देख के कैसा लग रहा है आपको, फर्स्ट टाइम ऐसा मुंबई को देख के? ठीक ही है, ऐसे ट्रैफिक दिल्ली में भी ऐसे ही है, और मुंबई अभी तो देखो कल पता चलेगा जब घूमेंगे। हाँ कल घूमेंगे तो पता चलेगा, अभी तो अंधेरे में मतलब रात हो चुकी है ना, इतना रात हो चुकी है, सब लोग घर ऑफिस जा रहे हैं तो ट्रैफिक, तो हम भी अभी थक गए, अभी तो हम घर जाके आपको डायरेक्ट मिलेंगे। बिल्कुल, नीरज ने मुझसे 10 बार पूछ लिया कौन कहने घर पे, कौन कहने, आकाश घर पे ही है, मेघा घर पे ही है, पापा घर पे, मम्मी घर पे, भाई जब जा रहे हो वही देख लेना। पर ठीक है, अभी जा रहे हैं, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। okay, नीरज yes. तो एक्साइटेड है ही है, मैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी हम पहुँच गए, हम घर जा रहे हैं, तो हम लोग का इधर आर्मी एरिया में है, जैसे कि
कैसी फीलिंग आ रही है दोबारा आर्मी आर्मी एरिया में आके? मैं सोचे तो कोई बाहर ऐसे आउटिंग चिलिंग, चलो कोई बात नहीं, फिर जहाँ अपने लोग हैं वहाँ तो सही है। सही बात है, अभी जाते हैं सब, हमारी बेसब्री से वहाँ पे इंतजार भी कर रहे हैं। ओह माय गॉड, रहा नहीं जा रहा, कॉल पे कॉल, मैसेजेस पे मैसेजेस, कहाँ पहुँचे हो, लोकेशन भेजो। नो भाई वेट यार, हम आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ओके ओके ठीक है। क्यों सरवा रहे हो कि बैल बजाए अब? किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे? एनिवर्सरी एनिवर्सरी। नाइस, किसका बर्थडे है? स्वागत कर रहे हैं। ये मेरे ऊपर दिख रहा है जीजू फॉर द फर्स्ट टाइम। ये नाइस, वाओ भाई, एनिवर्सरी है तुम्हारा, एनिवर्सरी आ गई। ओह माय गॉड, मियां बीबी इतने स्मार्ट लग रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे हो, पति पत्नी के तरह है ना। हम हाई चिल्लो चिल्लो दिशांत, कैसे हो? बढ़िया। अनसुन जी कैसे हो? बढ़िया, अच्छा है। ओ याशी, और क्या? हमारे स्वागत के लिए केक भी है, वो भी नीरज के फेवरेट रेड वेलवेट। रेड वेलवेट भाई, बेटी को व्हाइट पसंद है वो तो लाए नहीं, ज्वाई का रेड वेलवेट वो उसमें व्हाइट भी है, ऐसे मतलब नहीं है। चलो कितना स्पेशल फील हो रहा है। हैप्पी दसई हैप्पी दसई हैप्पी दसई, स्वागत, मतलब ज्वाइन पहली बार आए, परसों तो दो बार आ चुकी है। हां, तभी जीजू का फेवरेट केक है भाई, तो भी सो आज बर्थडे ये ताली वेरी गुड। ओ गाइस, अभी यहाँ पर एंट्री तो हो गई, केक भी कट हो गया, अभी हम लोग यहाँ पे सब बैठे हैं, नेपाली फूड खा रहे, चिकन सेल रोटी, नीरज के लिए स्पेशल और चटनी। नीरज कल ही बोल रहे थे सेल रोटी खाना है और मम्मी के हाथ चिकन खाना है, और स्पेशली आज मिल भी गया, तो ये सभी खाते हैं। ये सबसे लेट जो है मेरे से ज्यादा इनकी तारीफ करती है, मैं बताऊँ सबसे बड़ी, तूने तू ही व्लॉग में करती है तभी हमें पता चलता है। हाँ, ये भी तो सोच, पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब तू नहीं करेगी तो मैं कैसे पता चलेगा नीरज अच्छे। आप तो, आप मेरी मम्मी भी दीवानी हो गए थे नीरज के, सब तारीफ करते हैं। अरे कहा है, बड़ा हो गया तू तो, हीरो है तू, जीजू से तो बात किया नहीं तूने अच्छे से, जीजू जीजू आप कर दीजिए, बेचार बैठे तो आराम से। अच्छा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सारे लोग आ गए, वो बैठो उधर देखो, अरे तू बैठो पहले यार, अरे यहां बैठो ना आराम से। मिल लो नीरज से, आपको मिला था लाइव लाइव, अच्छे नीरज बहुत अच्छे, ऐसा पति होना चाहिए, सच में क्या बात कर रहे हो, सच में पत्नी भी तो बोलो, ऐसी पत्नी नहीं, पत्नी तो हाँ, वर्षा तो हमारी लाखों में एक है, पर जैसा हम चाह रहे थे वर्षा को पति मिले वैसी पति मिला भगवान के दया से। अरे आंटी नहीं, सच में कह, तेरी मम्मी और मैं बात भी करते कि चलो भगवान अच्छा नहीं है, वो तो है, वो है बस, बेटी से अच्छे ज्वाइन, बात नहीं मेरी मम्मी की, क्या आदत आदत आदत, क्या बोल रहे, बेटी से अच्छे ज्वाइन, अच्छा गुड, अच्छी है पर प्यार तो उससे सबसे ज्यादा करती है ना, सबसे पहले बच्चा है तो उनकी, पर अच्छे भाई वो मेरे को प्यार करेगा, वो प्यार तुम्हारे लिए भी है, दिया धोखा सवाल देख रहे, नहीं पर 3 साल की दोस्ती को दिया धोखा, ब्रेकिंग न्यूज, धोखा नहीं दिया, वर्षा भी अच्छी है पर नीरज तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ओ देखो वर्षा, वर्षा डिजर्व करती है ऐसा पति, ओ यस साइड, पापा को गिफ्ट तो दिया नहीं आपने, पापा को क्या गिफ्ट था, हां क्या गिफ्ट, क्या गिफ्ट था भाई, कहां है गिफ्ट, चुपका ली दे, अच्छा अच्छा भाई लाओ भाई स्पेशल गिफ्ट, क्यों खर्च कर पापा के लिए, बुढ़ापे में गिफ्ट क्या करना है, अरे देखो तो सही, देखिए तो नहीं नहीं ये धागे को, धागे को, धागे को, या अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, घोड़े वाला सुन के देखो, हां 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 हां
लॉन्ग लास्टिंग है भाई। ये तो ठीक है, ये तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाथ पे भी नहीं, ज्यादा खर्च नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये ऐसे घर में बैठते समय मेन मेन चीज में लगा, मेन मेन जगह पे लगा। अच्छा, परफ्यूम का बहुत हो गई हूँ मैं। तभी वर्षा बोले थे ये पापा के लिए ले जाना है। ये आपके लिए तो नहीं लाए? नहीं नहीं, मेरा उधर है ना। ये दोनों साथ में लाए थे। चलो इसलिए खोल लो, ये माथे देख लो, ये पुराना खोल लो, ये माथे को। हाँ, ये अभी इतना थोड़ी खुलेगा, ये अभी नहीं खुलेगा, ये बहुत कम खुलेगा। ये तो बहुत कम, ब्लॉग में भी मत दिखाओ, कोई मांग लेगा। कौन मांग लेगा भाई आपसे? देना ही नहीं है, बोलना इम्पोर्टेंट है। मुंबई भी पहुंच गए, इतना अच्छा स्वागत भी हुआ, तो फिर कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम अच्छा, एकदम सरप्राइज मिला। स्वागत किया, केक भी काटा और अच्छा अच्छा भी बनाया था, चिकन से रोटी है ना। और कल टीका भी लगाएंगे, मेन चीज है ना, सबसे जो मेन काम करने आए थे वो टीका लगाएंगे। फिर कल जब हम फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम मुंबई को देखेंगे, घूमने जाएंगे है ना। जब तक मुंबई को घुमा नहीं तो फिर क्या घुमा। वही सही बात है। अच्छा लगा ना, मतलब एकदम मुंबई में आके बोरिंग तो नहीं लगा? अच्छा, ना सबसे अच्छी चीज तो ये कि नीरज की इतनी तारीफ, सब लोग इतनी तारीफ, सच्ची बहुत तारीफ मेरे वजह से, क्योंकि मैं तारीफ करती ना आपकी। भाई अब तुमने यहाँ पहले आके मेरी इमेज इतनी अच्छी बना दी की लोगों के सामने, की लोग बोल रहे नहीं सब अच्छे अच्छे, और थैंक यू। कोई मेरी तारीफ नहीं करता था। एंडिंग कौन करेगा? बाय गाइस को बाय नहीं करना? अब गाइस आपके एप्पल खत्म होने का वेट करें। तो ओके बाय गाइस। तो ओके गाइस, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं आप कल की वीडियो में, तब तक बाय। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे प्यार देते रहना। ओके, अगर नहीं दिया तो प्यार फिर? कोई नहीं, वो मेरी बूढ़ी दे देगी। बाय बाय।